आपको क्या लगता है आपको क्या सजा होगी? डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, लाइफ. दिस इज व्हाट द मैन न्यू ही डिजर्व. दिस इज व्हाट ही सो बिटा कराटे इज सेइंग हियर दैट ही किल्ड 20 कश्मीरी पंडित्स. यू जस्ट सी एंड ही हैज बीन लेफ्ट बाय यूपीए. यूपीए हैज डन इमेंस 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 टॉर्चर एंड क्रुएलिटी टू कश्मीरी पंडित्स. सो कैन यू गिव अ गारंटी? Ladies and gentlemen, you have just seen this clip. Bitta Karate is admitting that he has killed more than 20 Kashmiri Pandits way back, and then he has been left out by the UPA government. It's thanks, God bless, that at least Modi government is now reopening the case. Let's see that how it moves. It's very important. Justice has to be done to Kashmiri Pandits because this Bitta Karate has killed so many Kashmiri, 20 Kashmiri Pandits, that he has agreed himself that he is killed. Let's see where now in 2017, today is 24th May 2017, where the case moves after 27 years. Thank you. Thank you. Thank you. बातें सामने आ रही है, वो मामला दबेगा नहीं. मैं आश्वस्त भी करता हूँ कि अगर इतनी बातें पूर्व अगर साथ में आ रहे हैं, जांच होगी, उसमें कार्रवाई होते रहेगी, कार्रवाई की जाएगी. कल हमारी अहीर साहब बात हुई जस्टिस सोडी से, दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत रिस्पेक्टेड जज है. उन्होंने कहा कि इसमें क्योंकि टाडा का केस है, टेररिज्म का केस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपील में जा सकती है. आप सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिले क्यों हुआ आपके हिसाब से, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस क्यों हुआ, और आपके हिसाब से क्यों दोबारा मामले की तहकीकात. लेकिन आपको रिजॉल्व दिखाना होगा, आपको हिम्मत दिखानी होगी, तभी होगा, वरना ये मामला इसी तरीके से चलता रहेगा. द कोरस ऑफ जस्टिस इज ग्रोइंग वर्चुअली नाउ और नेवर. आई सर, इट हैज टू बी कानून पूरी प्रावधान क्या क्या है वो सब जांच करके उसमें से हम जरूर कुछ रास्ता निकालने का कोशिश करेंगे. थैंक यू मोदी जी, थैंक यू. और कानून God की जितने भी प्रावधान है सारे चेक करके उसमें हम निश्चित ही और पूरा प्रयास करेंगे. शुड भी आवश्यक कहता हूँ.